प्यार चाहत, इनके मायने इनकी फिल्मों ने बदल ही दिए। इनकी फिल्मों से हर कोई जुड़ सकता है और इनकी फिल्में पहुंची है दिल की हर गली, क्योंकि इनका नाम है इम्तियाज अली। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि आज आपकी फिल्म हाईवे, जो कि जिसे इतना अच्छा अक्लेम मिला है क्रिटिकली और काफ़ी चली भी है, वो आज दिखाई जाए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी फिल्मों को किसी भी लायक समझा जाता है और वो किसी भी फेस्टिवल में आमंत्रित होती हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ आपकी तरह। सर, आपने रणबीर के साथ काम किया है, रणदीप के साथ काम किया है, शाहिद के साथ काम किया, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इन तीनों की एक ऐसी क्वालिटी बताएं जो सिर्फ इनमें ही है और किसी में नहीं। एक्चुअली क्या है कि शाहिद में क्या है, शाहिद इज़ अ वेरी गुड थिंकर, ही थिंक्स, हिज थॉट प्रोसेस इज़ वेरी नाइस। रणदीप के अंदर एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, तजुर्बा है जो उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा बनाता है, और रणबीर का कुछ कह नहीं सकता, उसका मुझे भी नहीं समझ में आता। ओके सर, ये बताइए कि अब जब आपकी फिल्में जब लगती हैं रिलीज, आपकी फिल्मों में एक स्टोरी जो होती है, जो स्पेशली दिखाया जाए फीमेल कैरेक्टर जो होता है, जो उनका जो प्यार होता है वो हमेशा या तो पोस्ट मैरिज या पोस्ट ब्रेकअप के बाद ही उन्हें एहसास होता है, तो आपके लिए लव का डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए लव का कोई डेफिनेशन नहीं है, बल्कि मैं अपनी पिक्चरों में लव को जब भी इस्तेमाल करता हूँ इस शब्द को, तो हमेशा डिरोगेटरी वे में करता हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आता, मुझे नहीं लगता कि एक कोई ऐसी चीज़ होती है जो लव होता है, वो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों को हम लव के नाम से जानते हैं। जाते सर, ये बताइए आपकी आने वाली फिल्म तमाशा, जिसमें आप रणबीर के फिर से एक बार काम कर रहे हो, दीपिका पादुकोण भी है इस बार, तो ये बताइए ये फिल्म आपकी फिल्म पिछली फिल्मों से कितनी अलग है और इस बार क्या देखने मिलेगा? क्या देखने मिलेगा वो तो आपको फिल्म देखने ही आना पड़ेगा, तभी मिलेगा। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद रणबीर एंड दीपिका अगेन, सो ऐसा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।